वेलकम टू अनदर लर्निंग एपिसोड विद कोडकैट 15. दिस इज योर होस्ट रवि. आज के सेशन में हम प्रायोरिटी इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जो डिस्पैच सेमाफोर का एक ड्रॉबैक है. अगर आप डिस्पैच सेमाफोर से फेमिलियर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्पैच सेमाफोर का भी यूज करेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट डिस्पैच सेमाफोर, एंड स्पेशली उसके वेट और सिग्नल फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है बिफोर यू बिगिन विद दिस वीडियो. डिस्पैच सेमाफोर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो अभी देखना चाहते हो तो अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन है आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स डिस्कस व्हाट प्रायोरिटी इन्वर्जन इज, एंड फॉर दैट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. गाड़ी चलाते वक्त रोड एक ऐसा कॉमन रिसोर्स है जो हम सभी एक साथ शेयर करते हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल जैसे पुलिस कार, एम्बुलेंस या कोई फायर फाइटर ट्रक जैसी गाड़ी पीछे से आती है, तो इन दैट केस हम हमारी गाड़ी को साइड में लेते हैं और उस इमरजेंसी व्हीकल को जाने देते हैं. सो बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि द प्रायोरिटी ऑफ इमरजेंसी व्हीकल इज हाई एज कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स ऑन द रोड, और इसीलिए हम हमेशा इमरजेंसी गाड़ियों को पहले जाने देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहां कुछ क्रिएटिव ड्राइवर्स इन इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देते हैं. उनको ऐसा लगता है कि इमरजेंसी व्हीकल से भी ज्यादा उनका टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, और इससे होता क्या है कि इमरजेंसी व्हीकल्स टाइम पे उनकी सही जगह नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो शेयर्ड रिसोर्स है, इन दिस केस दैट इज द रोड, उसे एक कम प्रायोरिटी वाली गाड़ी ने ब्लॉक करके रखा है. प्रोग्रामिंग में इस बिहेवियर को प्रायोरिटी इन्वर्जन कहते हैं, जहां एक लो प्रायोरिटी थ्रेड एक हाई प्रायोरिटी थ्रेड को ब्लॉक करता है. सेमाफोर आर गुड, लेकिन आपको उनके ड्रॉबैक के बारे में भी पता होना चाहिए, सो दैट आप सोल्यूशनिंग करते वक्त एक सही डिसीजन ले सको. एंड दिस बेसिकली गोज फॉर एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग. मोस्ट ऑफ द टाइम प्रायोरिटी इन्वर्जन नोटिसेबल नहीं होते, बट इट कैन श्योरली गेट कॉम्प्लेक्स. जैसे इन दिस डायग्राम हमारा रिसोर्स ऑलरेडी एक लो प्रायोरिटी टास्क के साथ बिजी है, और इसी बीच यूजर ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए और उस ऑपरेशन के लिए हमें इस रिसोर्स की जरूरत है. नाउ वी ऑल नो दैट यूजर ऑपरेशंस आर हाई प्रायोरिटी टास्क, बट इन दिस केस क्योंकि रिसोर्स ऑलरेडी एक लो प्रायोरिटी टास्क के साथ बिजी है, सेमाफोर हमारे हाई प्रायोरिटी थ्रेड को वेट सिग्नल सेंड करेगा, इंडिकेटिंग दैट द रिसोर्स इज बिजी एंड वी हैव टू वेट. एंड दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन योर एप्लीकेशन. क्योंकि अभी हमें प्रायोरिटी इन्वर्जन के बारे में आइडिया आ चुका है, तो लेट्स एक्सप्लोर प्रायोरिटी इन्वर्जन वाया कोड. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो क्यूज बनाएंगे, वन इज द हाई प्रायोरिटी क्यू एंड द अदर विल बी लो प्रायोरिटी. सो आई विल कॉल इट हाई प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू डिस्पैच क्यू ग्लोबल, द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज गोइंग टू बी यूजर इनिशिएटेड, और एक लो प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं डिस्पैच क्यू ग्लोबल एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज गोइंग टू बी लेट्स से यूटिलिटी. सो आई क्रिएट अ फंक्शन ओवर हियर, और इस फंक्शन का नाम होगा प्रिंट इमोजी, एंड दिस इज गोइंग टू टेक ए पैरामीटर ऑफ डिस्पैच क्यू एंड वन मोर पैरामीटर ऑफ इमोजी क्यू डॉट एसिंक. यहां पे जो भी इमोजी पास होगा उसे हम प्रिंट करेंगे. लेट्स से वी विल यूज ए फॉर लूप टू प्रिंट इट. We'll print it, let's say 10 times. Debug print. Emoji console पे कितनी बार print हुआ है ये भी हम लोग add करेंगे. So for that, we are going to use this value I over here. And now what I'm going to do is I'm going to call this print emoji function. So यहाँ पे print emoji, that is the higher priority. और higher priority vehicle is the ambulance, so let's use the ambulance emoji. और जो low priority है that is a normal vehicle. So उस case में we are just going to print this blue car. There is one more thing that I need to add, that is the playground support. Playground page current indefinite execution is true. And now let me run the application. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ambulance है वो print हुआ है, और फिर उसके बाद जो blue car है वो print हुआ है. So let me stop this and let me run it again. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि majority of the time जो ambulance है वो print हुआ है. As you can see over here, या जो ambulance है वो दो बार print हुआ है, and then you have the blue car. And then again the ambulance is printed twice. And this is just because jo ambulance ki priority hai, that is the higher priority. So let me run it one last time and see what do we get. So again you can see yahan pe ambulance print hua hai aur fir uske baad yahan pe blue car print hui hai.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाई प्रायोरिटी वाला इमोजी था दैट इज एम्बुलेंस, वो या तो पहले प्रिंट हो रहे थे या फिर इन बिटवीन एक साथ दो या तीन बार प्रिंट हो रहे थे। और ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड इसीलिए था क्योंकि जो एम्बुलेंस इमोजी है वो हाई प्रायोरिटी क्यू का यूज कर रहा है। अब सेमाफोर को ऐड करते हैं इस इक्वेशन में टू सी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पे सबसे पहले लेट मी क्रिएट ए वेरिएबल फॉर सेमाफोर इज इक्वल्स टू डिस्पैच सेमाफोर, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 एंड ओवर हियर आई विल से सेमाफोर डॉट वेट, और जैसे ही प्रिंट करके हो जाएगा आई विल जस्ट ऐड सेमाफोर डॉट सिग्नल। सो लेट मी ऑल्सो डू वन मोर थिंग, यहाँ पे आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट। सो आई विल राइट वेटिंग ओवर हियर सिग्नल। सो यहाँ पे जो डीबग प्रिंट है वो हमें ये बताएगा कि कौन सा इमोजी वेट कर रहा है, और यहाँ का जो डीबग प्रिंट है वो हमें ये बताएगा कि कौन से इमोजी ने इस पर्टिकुलर फॉर लूप को रिलीज किया है। सो एज ऑफ नाउ ये जो फॉर लूप है हमारा, वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ रिसोर्स। सो नाउ लेट मी रन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो क्योंकि एम्बुलेंस की हाई प्रायोरिटी है, इट गॉट प्रिंटेड फर्स्ट, और यहाँ पे सिग्नल मीन्स जो एम्बुलेंस है उसने फॉर लूप को रिलीज कर दिया है, और जो नेक्स्ट थ्रेड है दैट इज द लो प्रायोरिटी थ्रेड वो अब फॉर लूप का यूज कर सकता है, और फिर एंड में जो लो प्रायोरिटी थ्रेड है उसने भी फॉर लूप को रिलीज कर दिया। सो नाउ लेट सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई अगेन रन द एप्लीकेशन। सो यहां पे फिर से एम्बुलेंस गॉट प्रिंटेड फर्स्ट, और फिर उसके बाद फिर से जो कार है वो प्रिंट हुई है। लेट मी रन इट अगेन। सो नाउ वी हैव गॉट अ चेंज्ड आउटपुट। सबसे पहले जो लो प्रायोरिटी टास्क है वो पहले एक्सिक्यूट हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी टास्क था वो एक्सिक्यूट हुआ। मोस्टली ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हाई प्रायोरिटी टास्क है उन्हें हमेशा पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। सो मैं इसे दो तीन बार और रन करने वाला हूँ टू शो यू कि सेमाफोर की वजह से किस तरीके से कभी कभी जो हाई प्रायोरिटी वाले टास्क हैं वो बाद में एक्सिक्यूट होते हैं। सो लेट मी स्टॉप दिस। सो आप देख सकते हो फिर से रन करने के बाद फिर से जो हाई प्रायोरिटी वाले टास्क हैं वो लास्ट में प्रिंट हुए। सो लेट मी रन इट अगेन। सो अभी ठीक दिख रहा है, सो लेट मी रन इट वन मोर टाइम। अब यहां पे तो हमने सिर्फ दो क्यू क्रिएट किए हैं, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट वन मोर क्यू। सो लेट मी कॉपी दिस और इसे लो की जगह पे आई राइट डिफॉल्ट प्रायोरिटी एंड ओवर हियर आई राइट प्रिंट इमोजी दैट इज गोइंग टू बी डिफॉल्ट प्रायोरिटी, और इस केस में आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस कार ओवर हियर। सो लेट मी रन इट। सो यहां पे आप देख सकते हो कि जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है वो पहले एक्सिक्यूट हुआ है। सो लेट मी रन इट वन मोर टाइम। अगेन द सेम बिहेवियर। सो अभी आप देख सकते हो कि जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो लास्ट में प्रिंट हुआ है, और जो पहले जो पहला प्रिंट हुआ है दैट इज द लो प्रायोरिटी टास्क। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कोई एश्योरिटी नहीं है कि सेमाफोर का यूज करने से हाई प्रायोरिटी टास्क पहले एक्सिक्यूट होंगे। अगर रिसोर्स किसी और थ्रेड के साथ बिजी है तो हाई प्रायोरिटी थ्रेड को वेट करना होगा। इट्स मोर लाइक अ हिट और मिस सिनेरियो। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि इस पर्टिकुलर डेमो के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है जिसे तीन थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं जिनकी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस है, और इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम लोगों ने सेमाफोर का वेट और सिग्नल फंक्शन यूज किया है। आई वुड एडवाइस कि आप ऐसा कोड न करें जहां आपने एक फंक्शन में सेमाफोर का यूज किया है और उसे दो या तीन अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस के थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज दैट कैन कॉज प्रायोरिटी इन्वर्जन। अ वर्स्ट केस सिनेरियो इज सेमाफोर का यूज करने से यू मे एनकाउंटर डेडलॉक्स, जिसे हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को मैं एक ओपिनियन के साथ एंड करना चाहता हूँ। जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हो तो उस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में आप जो भी सोल्यूशन चूज करोगे मेक वेरी श्योर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस या बिहेवियर को इम्पैक्ट न करें। यूज सेमाफोर्स ओनली व्हेन देयर यूज मेक्स सेंस। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। So that being said, this is Ravi. I'll see you next week. Bye-bye.